सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटिंग के बारे में। हमारे जो पिछले कुछ सेशंस थे उसमें हमने सीखा कि किस प्रकार से डेटा को ऐड करते हैं, नंबर्स को आपस में, उनका एवरेज निकालना, लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम डेटा को काउंट कर सकते हैं। अब जब आपका डेटा बहुत बड़ा होता है, काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, तो मैन्युअली काउंट नहीं किया जा सकता उनको, इसीलिए हम यूज़ करते हैं फंक्शंस को। काउंट फंक्शन जो है वो टोटल तीन वेरिएशंस में आपके पास है, काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। जब आपको सिर्फ उन सेल्स को काउंट करना हो जिनमें नंबर्स हैं, यानी कि ना तो उनमें कोई टेक्स्ट है, ना कोई सिंबल है, ना वो खाली है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं, तो काउंट फंक्शन का यूज़ होता है। जब आपको उन सेल्स को काउंट करना है जिनमें कोई भी डेटा हो, चाहे नंबर हो, कोई वर्ड हो, कोई आपका डेट हो, टाइम हो, कोई भी डेटा हो, तो आप उसमें काउंट ए का यूज़ करते हैं। ए का मतलब आप समझ सकते हैं ऑल, काउंट ऑल, या आपके ब्लैंक सेल को छोड़ के सारे सेल्स को काउंट कर लेगा। देन आपके पास है काउंट ब्लैंक फंक्शन। अगर आपको उन सेल्स को काउंट करना है जो ब्लैंक है, यानी कि जो खाली है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ये देखना हो कि कहीं इस डेटा के अंदर कोई ब्लैंक सेल तो नहीं है, तो आप अगर काउंट ब्लैंक का यूज़ करेंगे और अगर कोई ब्लैंक सेल हुआ डेटा में, तो वो आपको बता देगा कि इतने सेल्स डेटा में ब्लैंक है, अदरवाइज आपका जीरो लिखा हुआ आ जाएगा। कई ऐसे टूल्स होते हैं जैसे पिवट टेबल है, चार्ट्स हैं, उनमें ब्लैंक सेल्स नहीं होने चाहिए, तो कंफर्म करने के लिए आप एक बार काउंट ब्लैंक का यूज़ कर सकते हैं। अब एक एक करके हम समझते हैं इन तीनों फंक्शंस को। सबसे पहले हमारे पास काउंट फंक्शन। इट काउंट्स द नंबर ऑफ ऑल द सेल्स दैट कंटेन नंबर्स। ये सिर्फ उन सेल्स को काउंट करेगा जिनमें नंबर्स हैं। जैसा आपको स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिख रहा है, हमारे पास B1 से लेकर B9 तक के सेल्स हैं। हमें काउंट करना है कितने ऐसे सेल्स हैं जिनमें नंबर्स हैं, तो हम लगाएंगे इक्वल्स टू काउंट और उन सेल्स के रेफरेंसेस इसमें एंटर कर देंगे। इसने हमको आंसर दिया है 6। एक्सेल ने 6 ही क्यों काउंट करे? क्योंकि दो जो ऐसे सेल्स हैं जिनमें टेक्स्ट है, नंबर्स नहीं है, और एक सेल ब्लैंक है, तो MS Excel ने उन दो दो टेक्स्ट को और एक ब्लैंक सेल को कंसिडर नहीं किया, तो 9 में से आपको सिर्फ 6 ही आंसर के रूप में यहाँ पर मिला है। लेकिन अगर हमको ब्लैंक को छोड़ के दोनों टेक्स्ट को भी काउंट करना है, तो वो काउंट की हेल्प से नहीं होगा, उसके लिए हमको काउंट ए फंक्शन का यूज़ करना है। हमने यहाँ पे काउंट ए यूज़ किया तो आंसर आ रहा है 8। अभी भी 9 में से उसने 1 को काउंट नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो ब्लैंक था, उसमें कोई डेटा नहीं है। अब हमें ये काउंट करना है कि कितने सेल्स ऐसे हैं जो ब्लैंक हैं, तो काउंट ब्लैंक का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर आंसर है 1, यानी कि इस डेटा में एक सेल ब्लैंक है, ठीक है। अब हम इसको एक बार एक्सेल में इन तीनों फंक्शंस को यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं और हमको तीन चीज़ें फाइंड करनी है, वो सेल जिनमें नंबर्स हैं, वो सेल जिनमें कोई भी डेटा है बस वो ब्लैंक नहीं है, और टोटल ब्लैंक सेल्स कितने हैं। तो हम यूज़ करते हैं सबसे पहले काउंट फंक्शन उन सेल्स के लिए जिनमें नंबर्स हैं। काउंट फंक्शन एंटर करने के बाद डेटा को सिलेक्ट करेंगे, हमको यहाँ पर आंसर मिल रहा है 7। नेक्स्ट हमें कोई भी वैल्यू जिन सेल में उन्हें काउंट करना है, तो काउंट ए, सारे सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे, तो हमको यहाँ पर आंसर मिल रहा है 10। उसने जो हमारे तीन ऐसे सेल्स हैं जिनमें टेक्स्ट था, नंबर्स नहीं थे, उनको भी काउंट किया है। अब हमें ब्लैंक सेल काउंट करने, तो हम काउंट ब्लैंक का यूज़ करेंगे। जब हमने डेटा को सिलेक्ट करके एंटर किया, तो हमें आंसर आ रहा है 2, क्योंकि दो ऐसे सेल्स हैं जो ब्लैंक हैं। तो आप इनका यूज़ आसानी से कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल फंक्शंस थे। अगले सेशन में हम सीखेंगे इफ़ फंक्शन के बारे में। इफ़ यानी कि कंडीशनल, कंडीशंस जब आप यूज़ करना चाहते हैं डेटा में। जैसे एक सेल्समैन है, उसने अगर एक मिनिमम सेल्स से ज़्यादा अमाउंट की सेल की है, तो उसको बोनस मिलेगा, कोई इंसेंटिव मिलेगा, अदरवाइज उसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो जब कंडीशंस आ जाती हैं कि आपने एक मिनिमम स्कोर से ज़्यादा अगर मार्क्स लाए हैं, तो आप पास हो जाएंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे, तो उनमें इफ़ का यूज़ होता है। ये हम अगले सेशन में सीखने वाले हैं।